नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है साझेदारी का प्रवेश, इसमें अपना टॉपिक चल रहा था नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना, जिसमें हमने कल करी थी चतुर्थी विधि कर रहे थे अपने, जिसमें पहली विधि थी अपनी जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, जब नया साझेदार किसी एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करे, जब नया साझेदार समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, और चौथी थी अपनी जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। इसमें नया साझेदार क्या करता है, जो पुराने साझेदार है उनके निश्चित अनुपात में तो करता है, लेकिन वो अनुपात है वो असमान होता है, यानी किसी से कितना ही किसी से कितना ही। कल हमने किया था जितना नया साझेदार पुराने साझेदारों से हिस्सा प्राप्त कर रहा है, यदि उसका टोटल एक आ जाए तो हमें बताया था त्याग अलग तरीके से निकलेगा। कई बार ये होता है कि जो नया साझेदार पुराने साझेदारों से हिस्सा प्राप्त कर रहा है उसका योग उस हिस्से के बराबर आ जाता है जो नए साझेदार को मिल रहा हो, तो फिर उसे त्याग का अनुपात मान लेते हैं। जैसे किसी फर्म में ए तथा बी दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:4:3 में बांटते हैं, उन्होंने सी को 2:3:7 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी को 3:7 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जो सी ने ए और बी से इस प्रकार प्राप्त किया, 2:7 ए से और 1:7 बी से, 2:7 ए से और 1:7 बी से। अब देखो असमान है, ए से अलग प्राप्त किया, बी से अलग प्राप्त किया, अब दोनों से अलग अलग प्राप्त किया, असमान है लेकिन निश्चित है कि कितना प्राप्त कर रहा है। अब आपको पहले इन दोनों को जोड़ के देखना है, 2:7 और 1:7 कितना हो गया 3:7, पहले इनको ऐड करके देखेंगे, तो ऐड करने पर या तो एक आएगा या फिर उस हिस्से के बराबर ही आ जाएगा जो हिस्सा सी को मिल रहा है, तो एक 2:7 बी का 1:7, तो 2:7 और 1:7 कितना हो गया 3:7, तो टोटल अपना कितना आ गया 3:7 आ गया, और इसको मिल भी कितना रहा है 3:7, तो ये मानोगे ये सीधा ही त्याग हो गया, जब जोड़ कर उस हिस्से के बराबर आ रहा है जो हिस्सा सी को मिल रहा है, तो ये मान लो कि उस हिस्से के बराबर आ रहा है तो सीधा ये त्याग है, तो ए का त्याग बराबर 2:7, बी का त्याग बराबर 1:7, ये पूरे क्या हो गया त्याग हो गया। अब आगे नया अनुपात निकाल लेंगे, ए का नया अनुपात तो नया अनुपात का सूत्र पुराना अनुपात 4:7 माइनस में त्याग का अनुपात 2:7, तो 4 में से 2 बच गए 2:7। बी का नया अनुपात, बी को पहले मिलता था 3:7, त्याग कितने का कर दिया 1:7 का, कितना बच गया 2:7, तो ए का नया अनुपात 2:7 और बी का भी नया अनुपात 2:7। सी का नया अनुपात, तो सी को टोटल कितना मिल रहा है 3:7, ये इसका नया ही है, ये आ गया 3:7, तो नया अनुपात बराबर 2:2:3, ये उनका नया अनुपात आ गया 2:2:3 में
तीन। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, कैसे करना है? पहले पुराने साझेदारों का पुराना हिस्सा दे दिया, ए और बी का 4:3, सी को 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। जो वह ए से कितना ले रहा है? 2/7, और बी से कितना ले रहा है? 1/7। तो 2/7 और 1/7 कितना हो गया? 3/7। तो 3/7 और इसको मिल कितना रहा है? 3/7। तो फिर ये मानोगे ए से 2/7, बी से 1/7, तो ये इनके लिए त्याग ही हो गया, क्योंकि जोड़कर इस हिस्से के बराबर आ गया। अब ए का त्याग हो गया 2/7 और बी का त्याग कितना हो गया? 1/7। तो टोटल 3/7 इसको मिल 3/7 रहा है। अब ए का नया अनुपात निकालोगे, ए का पुराना कितना था? 4/7। त्याग कितने का कर दिया? 2/7 का। तो 4/7 माइनस में 2/7, तो ए का नया अनुपात कितना बच गया? 2/7। बी का नया अनुपात हो गया 3/7 माइनस में कितना? 1/7, इसका बच गया 2/7। और सी का नया अनुपात कितना आ गया? जो सी को नया मिल रहा है 3/7, तो नया अनुपात ए बी सी का 2:2:3 आ गया। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। अब इसकी एक लास्ट विधि बची है आपके पास, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अनिश्चित अनुपात में अनिश्चित असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें नए साझेदार का हिस्सा नहीं देंगे कि वो कितना प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इसमें ये देंगे भी पुराने साझेदार है वो अपने हिस्से का कितना उसे दे रहे हैं, ये नहीं बताएंगे नए साझेदार को कितना हिस्सा मिल रहा है। ये बता दिया जाएगा कि पुराने साझेदार को जो हिस्सा मिल रहा है उसका कितना हिस्सा वो उस साझेदार को दे रहे हैं। तो इसमें आपको नए साझेदार का हिस्सा निकालना पड़ेगा भी नए साझेदार को कितना हिस्सा मिल रहा है। कैसे होगा? जैसे किसी फर्म में एक्स और वाई दो साझेदार हैं, जो लाभों को 3/2 में 3:2 में बांट रहे हैं, एक्स और वाई 3:2 में बांट रहे हैं, उन्होंने जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, जेड को नए साझेदार के प्रवेश दिया, जेड का हिस्सा पता नहीं है कि उसे कितना हिस्सा मिल रहा है। आपको ये कह दे कि एक्स अपने हिस्से का 1/3 जेड को दे रहा है, एक्स अपने हिस्से का 1/3 जेड को दे रहा है, और वाई अपने हिस्से का 1/2 जेड को दे रहा है। एक्स अपने हिस्से का 1/3 और वाई है वो अपने हिस्से का 1/2 जेड को दे रहे हैं। अब आपको नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, जेड का हिस्सा नहीं दिया, इसमें ये बता दिया कि एक्स अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। तो ये देखो दोनों में क्या लिखा होगा? अपने हिस्से का, ये 1/3 दे रहा है, ये 1/2 दे रहा है अपने हिस्से का। अब देखो त्याग कैसे निकालेंगे इसमें, कि x का त्याग, अब x का त्याग है, अब x का त्याग कितना हुआ? देखो कि x अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, x का हिस्सा कितना है? 3/5, और अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो 3/5 का 1/3 दे रहा है वो। और का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि जहाँ पे का लग जाता है उसका अर्थ होता है कि वो गुणा का निशान लगेगा बीच में, तो 3/5 का 1/3 तो कितना आ गया? 3/15। तो x अपने हिस्से का दे रहा है 3/15, y दे रहा है, y का त्याग क्या हुआ? y दे रहा है अपने हिस्से का 2/5 का 1/2, 2/5 का 1/2 हो गया 2/10,
तो ये x का त्याग हो गया, ये y का त्याग हो गया। x ने कितना दिया 3/15, y ने कितना दिया 2/10। ये x का त्याग, ये y का त्याग। अब आपको त्याग का अनुपात निकालना हो, मान लो इसमें, तो पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने का तरीका देखो, ये कर दो कि इसको, अब देखो इसमें ऐसी को संख्या नहीं है जो अपने, देखो न तो 15 को 10 बना सकते हैं, न 10 को 15 बना सकते, ऐसी पूर्ण संख्या नहीं है। अतः आप इसे ऐसे कर लो, इसको 10/10 से गुणा कर दो, और इसको हर बराबर करने के लिए 15/15 से गुणा कर दो, क्योंकि दोनों का हर बराबर नहीं है, इसलिए हर बराबर करने के लिए इसके हर को इससे गुणा कर दो, इसके हर को इससे गुणा कर दो। ये आ गया अपना 30/150, और ये भी आ गया 30/150। तो इसने किया अपने हिस्से का 1/3, और इसने किया अपने हिस्से का 1/2। तो 3/5 का 1/3 हो गया 3/15, और 2/5 का 1/2 हो गया 2/10। तो इसने टोटल त्याग कितने का किया, 3/15 का, इसने 2/10 का, लेकिन हर बराबर नहीं हुआ ऐसे करने से, इसलिए हर बराबर करने के लिए इसको इसके हर से गुणा कर दो, इसको इसके हर से गुणा कर दो। 15 को करेंगे किससे, जैसे 15 को 10 से गुणा कर दिया, 10 अंश से करेंगे तो अंश से भी करेंगे, इसमें 10 को 15 से कर दिया, तो इसका हो गया 30/150, इसका हो गया 30/150। अब त्याग का अनुपात आ गया अपना बराबर, अब त्याग का अनुपात 30/30, तो 1:1। कहने का मतलब दोनों ने बराबर बराबर त्याग किया है, दोनों ने क्या किया है, बराबर बराबर त्याग किया है। x ने 30/150, y ने भी 30/150, तो त्याग का अनुपात 1:1 आ गया। अब क्या करना है, आपको नया अनुपात ज्ञात करना है, x का नया अनुपात। x का नया अनुपात, नया अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात 3/5। त्याग कितने का कर दिया इसने, इसने कर दिया, देखो चाहो तो इसको त्याग मान लो, चाहो तो ये घटा दो, ये की बात है, -3/15 का, कितने का त्याग कर दिया 3/15 का, तो 3/5 माइनस में 3/15, तो इसका आ गया 15, 5 × 15 3 × 9 माइनस में 3, तो इसका नया आ गया 6/15। तो x का नया अनुपात आ गया 6/15। अब है y का नया अनुपात, तो y का नया अनुपात आ गया, y का पहले कितना था 2/5, त्याग कितने का कर दिया इसने 2/10 का, कितना आ गया देखो वही 10, 5 × 10 2 × 4 माइनस में 2, तो इसका आ गया 2/10, ठीक है। और z का नया अनुपात, तो देखो z का नया अनुपात ज्ञात करने के लिए, z का नया अनुपात ज्ञात करोगे तो इनका जो त्याग है वो z को मिला है। x ने कितना त्याग किया 30/150, y ने कितना त्याग किया 30/150, तो इसका टोटल हो गया 60/150, 60/150। तो x का नया अनुपात हो गया 6/15, y का हो गया 2/10, और z का हो गया 60/150। अब देखो तीनों नया अनुपात है तो हर बराबर होना जरूरी है, इसका हर 150 है, इसको और इसको आपको 150 बनाना पड़ेगा, तो इसे 150 बनाओगे तो 15 को 10 से गुणा करोगे तो आपका 150 बनेगा, और 10 को 15 से गुणा करोगे तो आपका 150 बनेगा। तो ये बन गया अपना 60/150, इसका हो गया 30/150, तो x का हो गया 60/150, और y का हो गया 30/150, और z का हो गया 60/150। अब नया अनुपात आ गया अपना x, y और z का, कितना आ गया 60/30
साठ, साठ तीस साठ, ये आ गया, कट जाएगा, तीस दूनी साठ, तीस एकम तीस, तीस दूनी साठ, तो नया अनुपात आ गया दो एक दो आ गया, इनका नया अनुपात हो गया दो अनुपात एक अनुपात में दो। तो ये जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान या अनिश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, एक्स और वाई का पुराना अनुपात क्या है तीन अनुपात में दो, जेड का पता नहीं, एक्स अपने हिस्से का एक बटे तीन दे रहा है और वाई अपने हिस्से का एक बटे दो दे रहा है, तो एक्स का त्याग हो गया अपने हिस्से का, एक्स का हिस्सा कितना है तीन बटे पाँच और उसका कितना दे रहा है वो एक बटे तीन, तो तीन बटे पाँच का मतलब गुणा एक बटे तीन, तो इससे गुणा कर दो तो इसका एक बटे तीन से गुणा किया तीन बटे पंद्रह आ गया। वाई का त्याग हो गया दो बटे पाँच का, वो कितना दे रहा है एक बटे दो, तो इसका आ गया दो बटे दस, तो एक्स का हो गया तीन बटे पंद्रह और वाई का हो गया दो बटे दस, ठीक है। तो तीन बटे पंद्रह और दो बटे दस, अब इसको क्या करना है, देखो त्याग का अनुपात तीन दो नहीं मान सकते अपने, क्योंकि इसका हर पंद्रह है इसका हर दस है, इसलिए क्या करेंगे पहले हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, देखो इसको ये पंद्रह है ये दस, तो इसको इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यानी इसके हर को इससे और इसके हर को इससे, तो इसका हर दस है तो दस बटे दस से गुणा कर दिया, इसका पंद्रह है तो पंद्रह बटे पंद्रह से कर दिया, तो एक्स का त्याग आ गया तीस बटे एक सौ पचास और वाई का त्याग आ गया तीस बटे एक सौ पचास, तो त्याग का अनुपात अपना इक्वल हो गया बराबर हो गया। अब एक्स का नया अनुपात ज्ञात करना है आपको, न्यू रेशियो ज्ञात करना है, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड में से क्या करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो को घटा देते हैं, तो ओल्ड रेशियो कितना था थ्री बाई फाइव और इसमें से सेक्रीफाइस हो गया थर्टी बटे वन फिफ्टी, तो ये क्या करेंगे इसमें से लेस कर दो, ये तो ये लेस कर दो, ये कर दो, एक ही बात है, इसको तो हमने मल्टीप्लाई करके किया बराबर करने के लिए, तो ये क्या करेंगे तीन बटे पाँच में से और तीन बटे पंद्रह घटा दिए, तो इसका बच गया अपना छः बटे पंद्रह, वाई का नया बच गया पहले दो बटे पाँच था, त्याग कितने का कर दिया दो बटे दस का, ये घटा दिया तो इसका दो बटे दस बच गया। अब जेड का नया अनुपात कितना हो गया, जो एक्स और वाई ने छोड़ा वो जेड को मिला, तो एक्स और वाई के द्वारा छोड़ा हुआ वो क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो एक्स ने छोड़ा तीन बटे तीस बटे एक सौ पचास, वाई ने छोड़ा तीस बटे एक सौ पचास, इन दोनों को जोड़ दिया तो इसका आ गया साठ बटे एक सौ पचास, तो नया अनुपात एक्स वाई जेड का आ गया साठ तीस साठ, दो अनुपात एक अनुपात दो आ गया। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, इस विधि का प्रयोग कैसे चलेगा, इस विधि का प्रयोग करना है जब आपको नए साझेदार का हिस्सा नहीं दिया हो। ये सवाल थोड़ा सा एक तरीके से और भी आ सकता है, ऐसे आ जाए मान लो कि जेड का हिस्सा पता नहीं, अब आपको ये कह दे कि एक्स अपने हिस्से में से एक बटे पांच जेड को दे रहा है, ये आ गया एक्स अपने हिस्से में से एक बटे पांच, ठीक है, और वाई अपने हिस्से का एक बटे दो, तो एक्स तो दे रहा है अपने हिस्से में से एक बटे पांच और वाई दे रहा है अपने हिस्से का एक बटे दो, का मतलब मैंने बताया था गुणा है और में से का मतलब है सीधा त्याग है, तो इसमें एक बटे पांच को तो क्या करोगे सीधा त्याग मानोगे आप, इसने एक बटे पांच का त्याग किया है लेकिन वाई अपने हिस्से का दे रहा है तो उसका त्याग आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे उसका त्याग निकालोगे, तो पहले देखो ऐसे करना है आपको एक्स का त्याग, अब में से आ गया ना तो x का त्याग है वो सीधा कौन सा हो गया एक बटे पाँच हो गया, ये क्या हो गया x का त्याग, फिर है y अपने हिस्से का दे रहा है तो y का त्याग कैसे निकालोगे अपने हिस्से का, तो इसका दो बटे पाँच है और अपने हिस्से का तो का मतलब गुणा एक बटे दो दे रहा है, तो दो बटे पाँच का एक बटे दो दे रहा है वो, तो दो बटे पाँच का एक बटे दो हो गया दो बटे दस, तो x का त्याग तो गया एक बटे पाँच और y का त्याग हो गया दो बटे दस, ठीक है। अब त्याग का अनुपात निकालोगे तो आपको क्या करना है, देखो x का त्याग एक बटे पाँच है इसका दो बटे दस है, अब पाँच को आपको क्या करना पड़ेगा पहले दस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हर को बराबर करना पड़ता है,
तो क्या करेंगे, 2/2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया 2/10। तो त्याग का अनुपात आ गया अपना 2:2, इसका भी 2/10 हो गया और इसका भी 2/10 हो गया, तो त्याग का अनुपात आ गया 1:1। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, नया अनुपात निकालना है, x का नया अनुपात आ गया अपना, x को मिलता था 3/5, ठीक है, उसमें से त्याग कितना, उसका माइनस में 2/10 का, और तो ये आ गया अपना 10, 5 × 10 = 2, 3 × 6 माइनस में 2, तो इसका आ गया 4/10। y का नया अनुपात आ गया, y को पहले कितना मिलता था 2/5, त्याग कितने का कर दिया वही 2/10 का, तो कितना आ गया 10, 5 × 10 = 2, 2 × 4 माइनस में 2, 2/10। और z का नया अनुपात, z को क्या मिला, जो x और y ने छोड़ा वो z को मिल गया, तो x ने कितना छोड़ा 2/10 प्लस y ने कितना छोड़ा 2/10, तो कितना आ गया 4/10, कितना आ जाएगा 4/10, तो इसका भी 4/10, इसका 2/10 और इसका 4/10। अब आपको क्या करना है, नया अनुपात x, y और z का, तो कितना आ गया 4:2 / 4, 4 × 2 = 4, काटे तो काट दो, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2 आ गया, ये आ गया नया अनुपात। तो विधि वही है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अनिश्चित या असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, विधि वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, बात वही, जड़ को पता नहीं कितना मिला, लेकिन इसमें यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि एक्स दे रहा है अपने हिस्से में से 1/5, जहाँ पर आ जाए में से, उसका मतलब क्या है, सीधा वो त्याग ही है, और वाई दे रहा है अपने हिस्से का, वो अपने हिस्से का दे रहा है, तो फिर आपको त्याग निकालना पड़ेगा। तो एक्स का त्याग निकालोगे, पहले क्या करना है आपको, एक्स का त्याग निकालने के लिए में से है तो यही क्या है, त्याग है आपका, 1/5 ही क्या हो गया, 1/5 है वो आपका त्याग हो गया, 1/5 है वो त्याग है, और वाई का त्याग कितना हुआ 2/5 का, वाई ने तो अपने हिस्से का दिया है, तो अपने हिस्सा इसका है 2/5 है उसका, तो का मतलब गुणा, और आधा दिया है तो 1/2 आ गया, तो वाई का त्याग कितना आ गया 2/5 का, 1/2 यानी कि 2/10 आ गया। अब x का नया अनुपात निकालेंगे, तो x का पुराना कितना था, x का जो पुराना था 3/5, त्याग कितने का कर दिया 2/10 का, तो 3/5 में से क्या करोगे 2/10 घटाओगे, 10 और 5 का लघुत्तम लिया 10 आ गया, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6 माइनस में 10 = 10, 2 × 1 = 2, 6 में 2 के कितने आ गई 4/10। अब x का नया अनुपात, x का नया अनुपात है, x का पुराना कितना था, कितना था x का 3/ y का नया अनुपात, y का नया अनुपात निकाला, तो y का पुराना कितना था 2/5, और त्याग कितने का कर दिया 2/10 का, 2/5 में से 2/10 घटा दिए लोगों, तब लिया वही 10, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 माइनस में 2, 2/10 आ गया। z का नया अनुपात, z को कितना मिलेगा, z को वही मिलेगा जो x और y छोड़ेंगे, तो x और y ने कितना छोड़ा, x ने छोड़ा था अपना त्याग कितना किया था 2/10 का, और y ने कितने का किया था 2/10 का, तो z का नया अनुपात आ गया 4/10, तो x का 4/10, y का 2/10, z का 4/10, तो x y z का नया अनुपात आ गया 4:2:4, तो नया अनुपात हो गया x y z का 4:2:4, इसे काट दिया तो 2:1:2 आ गया।
ये विधि अपनी कंप्लीट होगी जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अनिश्चित या असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। ठीक है, अब ये अपनी पांच विधियां हो गई। पहली कौन सी थी, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, जब नया साझेदार पुराने साझेदार किसी एक ही साझेदार से हिस्सा प्राप्त करे, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, और जब नया साझेदार अनिश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। कई बार क्या है कि इससे हटके भी कुछ एक सवाल आ जाते हैं जो इन विधियों से मैच नहीं करते, उनकी विधियाँ अलग ही होती है, यानी वो अपनी माइंड के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे कभी इस तरह के सवाल आ जाते हैं, कि किसी फर्म में ए बी सी 3:2:1 में लाभ बांटते हैं, 3:2:1 में बांटते हैं, और डी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। डी को क्या है, 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब आपको ये कहे सी का हिस्सा यथावत रहेगा, ये नई फर्म में सी का हिस्सा क्या है, यथावत रहेगा। तो C का तो 1/6 का कितना आ गया, 1/6 ही रहेगा। D को जो 1/6 मिल रहा है वो कौन देंगे, A और B देंगे। कौन देंगे, A और B देंगे। इसको ऐसे करेंगे, मानना कुल लाभ बराबर, कुल लाभ कितना है, एक एक मान लो हिस्सा, जिसमें C तथा डी का हिस्सा तो फिक्स हो ही गया, सी को भी 1/6 मिलेगा, डी को भी 1/6 मिलेगा। सी तथा डी का हिस्सा 1/6 + 1/6 कितना आ गया, 2/6। सी तथा डी का हिस्सा आ गया 2/6। शेष लाभ बचा, शेष लाभ तो देखो टोटल अपने पास एक था जिसमें से 2/6 तो इनका हो गया, तो 2/6 एक में से 2/6 घटा दो, 6 - 2 कितना बचा, 4/6 बच गया। तो शेष लाभ है वो 4/6 बच गया, वो कौन बांटेंगे, ए और बी बांट लेंगे अपने पुराने अनुपात में। ऐसे करेंगे, ए का नया अनुपात 4/6 का, इसको कितना मिलेगा, 3/5, 3/5 तो इसका आ गया 12/30, तो ए का नया अनुपात आ गया 12/30। बी का नया अनुपात बराबर 4/6 - 2/5 तो इसका आ गया 8/30, तो नया अनुपात ए का 12/30, बी का 8/30, सी का हमें पता ही है, सी का 1/6, तो 6 को क्या करेंगे, 30 बनाएंगे, तो 30 बनाने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 से, तो इसका आ गया 5/30। डी का हिस्सा भी, डी का नया अनुपात तो वही 1/6, उसे 30 करो 5/5 से करके, तो ये आ गया 5/30। तो नया अनुपात आ गया अपना, नया अनुपात 12:8:5:5, ये नया अनुपात आ गया। इसमें क्या है, आपको जो पुराना साझेदार था ना, कौन सी, उसका हिस्सा पहले का जितना उतना ही रह गया, और डी का भी बताई दिया 1/6, तो शेष बचा वो ए और बी अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो कुछ एक उदाहरण इसमें ऐसे होते हैं जो इससे हटके होते हैं। तो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया, यहाँ पे लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। कल से अपने नया टॉपिक करेंगे, ख्याति का लेखांकन यानी गुडविल करेंगे, पहले गुडविल को गणना करेंगे उसके बाद उसका लेखांकन करेंगे। धन्यवाद।